This is the second part of the product of matrices. ठीक है, we are going to start with the product of matrices, but we are today doing the practice of the product of matrices. ठीक है, yesterday's topic was the introduction of product of matrices. ठीक है, जिन्दे विच we have told you, मतलब मैं जिन्ना भी था दस्या सिका, I have told you about that के how we can take the product of matrices. Today आपा product of matrices की applications उत्ते जा रहे हैं, practice समझे उत्ते जा रहे हैं. ठीक है, so पहला question जो निकल के आ रहे हैं, that is लिखो question लिखो. ठीक है, if मान के चलो if a A matrix is 1, 0, minus 1, 7, ठीक है, and I is 1, 0, identity matrix 2 by 2 है, ठीक है, then find K, so that, हाँ जी, please hold. ठीक है, वो भी जो समझ आएगा कर गई नेट से कनेक्शन प्रूवर हो जाएगा. ठीक है, आप ये सो दिस इज के, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए प्लस के आई. ठीक है, so we are starting with one of the simplest question. ठीक है, सब तो सोखे क्वेश्चन तो शुरू कर रहे हैं. शुड वी स्टार्ट? नोट कर लिया क्वेश्चन? जब क्वेश्चन नोट कर लिया देन नेक्स्ट पेज उत्ते जा रहे हैं. ठीक है, सो ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर चखना, ए स्क्वायर का मतलब है ए इनटू ए, मींस ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दूं. यू हैव ऑलरेडी रिटन द वैल्यू ऑफ ए इन योर नोटबुक्स. ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से अगर करें, ठीक है, प्रोडक्ट करके कितना निकल के आया. ठीक है, ध्यान ना देखियो, फर्स्ट एंड दे आर रोज एंड दे कॉलम्स, दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट सेशन. ठीक है, 1 into 1 प्लस 0 into minus 1. ठीक है, सिमिलरली 1 into 0 प्लस 0 into 7. ठीक है, नाउ दिस element is going to divide by this. ठीक है, पता है सारा? Then similarly minus 1 into 1 plus 7 into minus 1 minus 1 into 0 plus 7 into 7. ठीक है, कुल मिला के ए स्क्वायर आपने को निकल के आ गया 1 0 माइनस 8 49. दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है, नाउ हुन मैं ए स्क्वायर की वैल्यू एंड विच पुट कर दूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू एंड विच पुट करते हैं. ठीक है, ऐसे शो कर देना. ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू में पुट की थी, दैट इज 1 - 8 = 49 इज इक्वल टू, ठीक है, 8 a 1 - 1 = 7 प्लस के वैल्यू पुट कर रहे हैं आई भी 1 0 0 1
ठीक है, तो की निकल के आ रहा है माइनस वन जीरो माइनस एट फोर्टी नाइन हुन दिस इज ए स्केलर मल्टीपल दिस इज ए स्केलर मल्टीपल ठीक है एक मिनट बेटा दिस इज स्केलर मल्टीपल क्या कह रहे हो बेटा कितना वाला ए ही वैल्यू है अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी एफ ए ठीक दिस इज स्केलर मल्टीपल अंदर सारे एलिमेंट्स ना मल्टीप्लाई होता स्केलर मल्टीपल अंदर सारे एलिमेंट्स ना मल्टीप्लाई होता सिमिलरली के इज आल्सो स्केलर सारे एलिमेंट्स ना मल्टीप्लाई होता ठीक है थीके? क्लियर है तक फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस चलेगा एडिशन ठीक है कितना चलेगा एडिशन ध्यान ना समझो पहला था एयो आ गया वन जीरो माइनस एट फोर्टी नाइन ऐसे ऐड कितने ठीक है क्यों हो जाएगा एट प्लस के एडिशन याद है ना कितना करनी सी जीरो माइनस एट फिफ्टी सिक्स प्लस हूं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इफ यू रिमेंबर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एक ही आएगा ठीक है फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के ठीक है जी तो के इधर इक्वल निकल के आ रहा है दोनों केसेस से माइनस सो दिस इज द एप्लीकेशन पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन का वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन नोट हो गया करिए अगेन देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है लिखो कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ठीक है फाइंड एफ ए इफ a is equal to 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 ठीक है लिख लिया क्वेश्चन लिख लिया Now, remember one thing. F A, F X polynomial है. F A नो कहने हैं matrix polynomial. F A is known as matrix polynomial. And जब मैं अपन x की जगह पे a put करने हैं, तो क्या आएगा? A square minus 5a plus 6 identity matrix. जो constant term होगी कॉन्स्टेंट टर्म नु 6 नहीं लिखेंगे 6 i लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म शुड आल्सो बी अ मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट टर्म शुड आल्सो बी अ मैट्रिक्स इसका क्या होगी बन जाएगा 6 i क्लियर हो गया कि बन जाएगा 6 i एवरी टाइम कॉन्स्टेंट टर्म जो पॉलीनोमियल में कॉन्स्टेंट टर्म निकल के आएगी व्हेनेवर पॉलीनोमियल इज कन्वर्टेड इनटू अ मैट्रिक्स पॉलीनोमियल means constant term को ऊपर की बनवाना multiply कर देना है identity matrix से ठीक है
ਇਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਰੋਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾ ਟੇਕ 2 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰੱਖਿਓ हो गया जी सवाल क्या आंसर आया सवाल करके अमित जी क्या आंसर आया सवाल करके मेरे पास ये सारी वैल्यू निकल के आएगी इक्वल टू सारा सॉल्व करके आएगा 1 - 1 -3 -1 -1 -10 -5 4 क्या सॉल्व ए आंसर आएगा किसने सॉल्व होया अच्छा ए स्क्वायर सॉल्व कितना किसने a स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे हैं ठीक है नोट करो जरा a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर इज इक्वल टू नेट मैच करो जरा 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 - 2 दिस इज a स्क्वायर मैच कितना किसका चलो पूरा एफ पे आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं सामने आ गया अमरिंदर ऋषभ गुरकीत सो जो भी तुसी क्वेश्चन सॉल्व किया है उनकी पिक मेरे बाद जो सेंड करोगे तुसी ठीक है जी देन नेक्स्ट क्वेश्चन कलर क्या लेके लिखो इफ दिस इज द स्टेटमेंट एम इको मैट्रिक्स है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स -1 -8 -10 1 9
-2 22 -5 15. ठीक है, यू हैव टू फाइंड ए. ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए मैट्रिक्स. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द ए मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. आई एम गिविंग यू द हिंट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ए मैट्रिक्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. Order of matrix. बेटा मल्टी क्या आ रहे हो? ये जरा उत्ते क्वेश्चन लिखा हुआ ना, दिस इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, है दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट. मैंने ये क्या बड़ा मैट्रिक्स दे रहा है, 3x3 मैट्रिक्स. ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना रखूंगा, लेट एन नाम देता बी मैट्रिक्स का, तो एंडर ऑर्डर है तो नाल थले मेंशन कर दूंगा. ठीक है, ऑर्डर की निकल के आ रहा है 3, 2. ठीक है, हुन ए मैट्रिक्स द ऑर्डर मेंशन कर देना, लेट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज एन. हुन पता ही चलता है ऐसे क्यों होएगा, मल्टीप्लाई आया एन क्रॉस एम मान लो जेदा. ठीक है, सी मैट्रिक्स मतलब क्वेश्चन की सॉल्यूशन के बीच में सारा पहले मान के चलागा, एंड ऑर्डर 3, 3 आया. सारा क्लियर अभी तक? सारा क्लियर अभी तक? देन नेक्स्ट लाइन जो लिखूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. According to product of matrices, ठीक है, order of A की निकल के आएगा. सब तो पहला A B ने ना मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है, A आंदा है ना सारा, A B ने ना मल्टीप्लाई हो रहे. ठीक है, फिर मेथड की जैसे ऐसे क्या है, एंड ऑर्डर की ना निकल के आ रहा है 3, 2, तो एंड ऑर्डर n क्रॉस m, ये आपस में क्यों होने चाहिए इक्वल. ठीक है, एन दिए कॉलम्स ने एन दे रोज, ठीक है, आपस में क्या होना चाहिए, सो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2. ठीक है, दिस इज एम. हुन नवा मैट्रिक्स की है 3, 3. ठीक है, मेथड की क्या सीखा, नवा मैट्रिसेस के बीच चेक करो जो है बच जाता है. ठीक है, जो बच गया, ठीक है, वो मेरे नवे मैट्रिक्स का ऑर्डर बन के निकल रहा है. नवे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है, 3, m. एंड इक्वेट कर देता है एंड ना होने सारा रफ के में चलेगा, इट मींस एम के ना निकल के आ रहा 3, सो ऑर्डर क्या आएगा 2, 3. ऑर्डर के ना निकल के आ गया 2, 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द क्वेश्चन के बीच वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर, देन उसको बाद में अगला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स फाइंड करने की सोचा ना. क्लियर हो गया, लिख ले तेरा, मैं पता लगे जा रहे हैं. ठीक है, जो मैं आगे गया, मैं मान लिया लेट हुन ए मैट्रिक्स की आ गया एक्स वाई जेड, मैंने पता है इनका ऑर्डर किया 2, 3 है. ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी. ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखिए ऐसे 2, 3, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. ठीक है, देन हुन मैं की कीता वैल्यूज पुट करती हैं 1 दे विच जड़ी b a इज इक्वल टू c मांगा है उन दे विच वैल्यूज पुट करती हैं.
ठीक है इतना तक 5 आना है। सो टेकिंग द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट लेता, प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे को क्या मैट्रिक्स आया, ऐसा सारा प्रोडक्ट ले लिया की बन जाएगा 2x माइनस a प्रोडक्ट लेना आता हूं सारे ना। ठीक है देन वी आर गोइंग टू इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है देन वी आर गोइंग टू इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है बाय इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दिस इज यू हैव टू डू। ठीक है मैं ही कर रहा है सॉल्व। ठीक है डू इट योरसेल्फ। ठीक है x की वैल्यूज की आ गई हैं। ठीक है x इज इक्वल 1 आएगा। हाँ जी a इज इक्वल टू कर लिया जसलीन ने। हाँ वेरी गुड जसलीन। हाँ जी z इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द वैल्यूज इक्वेट करना आंदा सानू सारा आंदा। ठीक है जी z 5 ही नहीं z बेटा माइनस 5 वाला चेक करो एक बार z की वैल्यू माइनस 5 वाली। ठीक है सर सारे लगा दिया। हां जी सर देन मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ठीक है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ठीक है cos square theta cos theta sin theta cos theta sin theta sin square theta sin cos square phi sorry this is cos square phi। ठीक है cos phi sin phi cos phi sin phi sin square phi ठीक है इज ए नल मैट्रिक्स। cos square theta cos theta sin theta देन फिर cos theta sin theta sin square theta उधर आ गया cos square phi। Is the null matrix? Is the null matrix? Comma when theta and phi differ by an odd multiple. Of pivot. ठीक है
this is going to be the last portion of today's session. उसके बाद you have to do the practice of product of matrices from your NCERT questions. कल आप एक कारी competition देते जाओगे product of matrices से. ठीक है, complete करो ना. शुरू किया. क्वेश्चन नोट कर लिया. ना सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? सो स्टार्टिंग कितना निकल के आएगी? जल स्टेटमेंट लिखी, सो प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट बहुत लेंथी निकल के आएगा, थोड़ा सा ध्यान में लिखियो. ठीक है, मन पहला ऐसा सारा मल्टीप्लाई आएगा एन के नाल, तो क्या होएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos square 5. This is the cos, नहीं sin square नहीं आएगा, sin. So this is the first element. ठीक है, this is the first element. ठीक है, similarly इन्हें नाली second element लिख रहे थे. अगेन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड रो देना, तो क्या होएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइ साइन फाइ प्लस साइन फाइ साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाइ. ठीक है जी, देन आगे फर्दर cos theta sin theta cos square phi plus sin square theta cos phi sin phi. ठीक है, then further again cos theta sin theta cos phi sin phi plus sin square theta sin square phi. ठीक है जी, सो हम की लिखांगे एंड में बिचो कॉमन निकल रहा है, कुछ की कॉमन निकल रहा है वो देख रहे हैं. क्या आएगा? cos theta cos phi, दिस इज द कॉमन कॉमन निकलन तो बाद प्लीज मैच करियो रिजल्ट. ठीक है, की बचेगा? cos theta cos phi plus sin theta sin phi. ठीक है, सिमिलरली थलो भी कॉमन निकल रहा है, कॉमन कर लिया.
साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉमन निकलन तो बाद की बचेगा, नहीं साइन थीटा कॉस फाई कॉमन निकल गया, तो की बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, ये मेरे पहले कॉलम के एलिमेंट्स में चले गए कॉमन, ठीक है, देन फर्दर एना विचो देखते हैं की कॉमन आ रहा है, अगेन कॉस थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है, तो की बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, अगेन थलों भी कुछ कॉमन निकल रहे, ठीक है, साइन थीटा साइन फाई बहुत ध्यान ना देख के चलना है सब, ठीक है, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, देखो सारे स्टेप्स देखो एक बार, ठीक है, नाउ क्लियरली जी चंगी तरह देखो एवी 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 एवी, ठीक है, फॉर्मूला बन रहा है, कैसा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस थीटा माइनस फाई वाला, नोट कर दे बेटा, इधर मैं अगले पेज से कर रहा हूं, अमरिंदर जी नोट कर लिया, कर दे सब ने नोट, मैं कर ला आगे पेज, चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं, तो मैं उनकी लिखा लगे जो मैं पीछे लिखा सीगा उनका ही ये लिखा cos theta cos phi की बचा है cos theta minus phi, similarly sin theta, ठीक है, sin theta sin phi sin theta cos phi, सो ये की बचा है cos theta minus phi, सिमिलरली cos theta sin phi cos theta minus phi, ऐसे तरह sin theta sin phi cos theta minus phi, ठीक है जी, now remember one thing, असी उन plus one class पे जा रहे हैं, ठीक है, प्लस वन क्लास के विच कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो कदों सीगा, कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो कदों होता है जो कॉस क्यों होएगा 90 डिग्री, कॉस क्यों होएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री में उसे कितना लिख सकते हैं पाई बाय टू भी लिख सकते, ठीक है, हूं यूजिंग द जनरल फॉर्मूला, ठीक है, तो थीटा माइनस फाइव के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 2n plus 1 pi by 2, ठीक है, हूं दिस इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, हूं जे बेटा जी आ जीरो निकल के आ रहा है, इट मींस सारा क्यों गया 0 0 0 0, उन्होंने कंडीशन प्रूव करना से यही गई सी, कहता यार ठीक है, उन्हें कंडीशन प्रूव करना सही है कि सही, ठीक है, व्हाट ही वाज सेइंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वापस जा रहे हैं, वो की कह रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही इज सेइंग के इज अ नल मैट्रिक्स, इट इज अ नल मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई द डिफरेंस, ठीक है, व्हेन थीटा एंड फाई द डिफरेंस की निकल के आ रहा है अपने को, ठीक है, इज द मल्टीपल ऑफ, इज द मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है,
सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, कल मिलते हैं।